जिले में तो इतना हो गई थी कि मेरे घर को दुश्मनों ने घेर लिया है। आपके चारों तरफ नंगी तलवारों के साथ दुश्मन ने आपका घर का घेरा कर लिया था। अल्लाह ताला के हुक्म से आपको किसी भी हाल में मक्के से निकलना था, तो आपने अपने हाथ में एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर सूरह यासीन की आयत को जो अल्लाह मुंबई में आई थी, उन सत्ता आपने आयत पर तो दुश्मनों के साथ मट्टी फेंक दी। अल्लाह ताला ने सबको अंधा कर दिया कि पहले अल्लाह की मदद थी, उसके बाद गार में आए हैं, गार में आकर दूसरी अल्लाह की मदद। भाई बातें ना करें, भाई बात करेंगे, मैं माइक रख दूंगा नीचे। मुझे बोल के मतलब आप बातें करते रहेंगे तो दूसरी बात अल्लाह ताला की इस गार में आए कि प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आप दाखिल हुए, आपने आराम फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया, मकड़ी ने फौरन जाला बनाया और कबूतर ने अल्लाह के हुक्म से फौरन उसके अंडा भी रख दिया। दुश्मन ने इस रात आपके घर तक बिल्कुल करीब पहुंच चुके, बल्कि उन्होंने महसूस भी किया कि कोई इस घर में दाखिल हुआ है। अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल ऐसे ऊपर देख रहे थे कि कोई हमें देख रहा है। नबी जी ये हमारे सरों पर आ गए, आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह ताला बेशक हमारे साथ है, आप घबराओ नहीं। अल्लाह ताला ने दुश्मन इस्लाम को वहां पर अंधा कर दिया और एकदम करीब होते हुए भी आप वहां से निकल चुके। अल्लाह ताला की दूसरी मदद थी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आपको मदीना के लिए हिजरत करना था, इस शहर मुबारक को छोड़ना था, लेकिन जहां का पछताना होता है आदमी को वहां का एहसास होता है। मैंने आपके मुताबिक मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उससे पहले कई मतों में आया, हाजी कहते हैं कि अब से हमारा इंडिया अच्छा है, क्यों कहते हैं पता है कि वहां का पैदाइश होती है ना, आदमी को उस जमीन से मोहब्बत होती है। नबी को भी शहर से मोहब्बत थी, आपकी पैदाइश थी, तो आपको भारी नहीं पड़ा मक्का को छोड़ना हमेशा के लिए, जबकि आपको भी तरह तरह से तकलीफें मुसीबतें आपको परेशान किया गया, और सारे परेशानी को जो परेशानी खत्म हो गई, इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि नबी जी आप शहर को छोड़कर कहीं और चले जाए, तो आपने मदीना का रुख किया। आप बताओ आपको बारी कुरान एहसास हुआ नहीं हुआ? ये तकलीफ उसको हमें सोचना है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के खातिर शहर को छोड़ना पड़ा, आप बार बार शहर की तरफ देख रहे थे और आपके आंखों में आंसू थे और दिल आपका गंभीर था और एक तरफ दुश्मनों का खतरा खौफ था। हत्या के जब मदीना की तरफ आप चल पड़े हैं तो दुश्मनों ने वहां तक भी आपको पकड़ने का पूरी कोशिश फरमाई। सही कोई दुश्मन इस्लाम का नाम मुझे पता नहीं है, वो आपके बिल्कुल पीछे तक पहुंच गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके घोड़ों को जमीन में धसा दिया। ये हमारे शहर का वाकया था और इस शहर मुबारक में गली गली और एक एक रास्ता इस बात की गवाही देता है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकालीफ इस शहर में दी गई है, दीन के खातिर आपको जो सताया गया, किसी नबी को इतना नहीं सताया गया जितना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया। और इस्लाम का ये मरकज रहा, मक्का मुकर्रमा इस्लाम का मरकज था, तौहीद का मरकज था। और हज का मरकज है, उमरे का मरकज है। अब हज के अरकानों में से तीन बड़े मैदान की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले अरफात की जियारत करेंगे, उसके बाद मुज़दलिफा की जियारत करेंगे, उसके बाद मीना की जियारत करेंगे और मैदान में जो छोटी मस्जिद है या
परेशानियां हैं सारे इसका इंतजाम आपको।